और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे शिक्षा भारती स्कूल है। ये बहुत ही प्राइम रोड है, इस रोड पे ट्रैफिक की बहुत आवाजाही रहती है। इस रोड पे जब हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोगों ने पाया कि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने सूखे पत्ते जला दिए हैं। जो पत्ते यहाँ नीचे गिरे हुए थे, जिसको हटाने की जिम्मेवारी DDA के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की और MCD की थी, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, इनमें से किसी ने भी इस पत्तों को नहीं हटाया और उन पत्तों में आग लगी, जिसकी वजह से ये जो पेड़ यहाँ पर है, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो पेड़ दिखाएं, ये पेड़ झुलस गए हैं। कई पेड़ लाइन से झुलसे हुए हैं। रोड के साइड में जो पौधे लगाए थे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने, लाखों रुपए इन पौधों के रखरखाव का बजट होता है, उन पौधों को एकदम वो पौधे झुलस गए हैं। हमारी बात हुई थी डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मिस्टर प्रेमचंद से, जिन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ इसमें क्या हो रहा और ये कैसे हो गया, लेकिन उन्होंने अभी तक यहाँ पर एक टैंकर वाटर का भी नहीं भेजा। हमारी बात हुए, आज 4 दिन हो चुके हैं, इस आग को लगे हुए करीब 8 दिन हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेंट्रल वर्ज पे पेड़ पौधे हैं वो भी पूरी तरह से सूखे हुए हैं, और जो साइड में यहाँ पर जो पौधे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन पौधों को जलाया गया, और ये सिर्फ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की लापरवाही का नतीजा है। इस रोड पे काफ़ी बड़ी संख्या में इस रोड के पौधों की मेंटेनेंस के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों ने किसी एजेंसी को काम दे रखा है। करीब 40 से 50 लोगों की ड्यूटी इस रोड पे पौधों की मेंटेनेंस की है, लेकिन यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा और लाखों का फंड, लाखों का जो पब्लिक मनी है उसे गॉबल कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर DDA के लोग, और इन पौधों की रखरखाव के लिए कोई प्रयास फिलहाल नहीं किया जा रहा। मेरी VC DDA लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली इन सब से ये गुजारिश है कि सबसे पहले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के वो लोग जो इस घटना के लिए जिम्मेवार हैं उनको सस्पेंड करें और ऑर्डर करें कि डेली बेसिस पे द्वारका के हर सेंट्रल वर्ज पे, हर जगह पे जहां भी पौधे लगाए हैं DDA ने, उनके ऊपर डेली वाटर टैंकर से पानी सप्लाई किया जाए, जिससे कि इस झुलसती हुई गर्मी में उन पौधों का रखरखाव हो सके, उसका बचाव हो सके।